गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल रुचि स्टाइल कॉर्नर। टाइटल से देखिए आपको समझ में आ गया होगा कि आज का वीडियो किस टॉपिक के ऊपर है। तो आज मैं अपना जो बर्थडे मेकअप लुक है वो आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ। ऑल दो आई डोंट डू वेरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और समथिंग, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स जा करके नहीं करती हूँ मैं। बहुत ही सिंपल सा मेरा मेकअप रूटीन रहता है। बर्थडे पे तो पता नहीं मैं इतनी ज़्यादा बिजी हो जाती हूँ कि मैं और बहुत फटाफट जो मैं सोचती हूँ, हर बार मैं सोचती हूँ मैं ये करूँगी, मैं वो करूँगी, मैं ये करूँगी वो करूँगी, बट हर बार मेरा वो स्किप हो जाता है और मैं बस फट मेकअप अपना करती हूँ। एंड वही मैं आप लोगों के साथ में आज शेयर करने वाली हूँ। सो येस, विदाउट फर्दर डू लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड। तो अभी जो आप मेरा फेस देख रहे हैं, दिस इज एक्सट्रीमली बेयर फेस। मैंने सिर्फ अभी अपना शावर लिया है और आप लोगों के सामने आ चुकी हूँ। सो यू कैन सी फ्यू पिम्पल मार्क्स हेयर एंड देयर। तो आई हैव नो पिम्पल्स राइट नाउ ऑन माई फेस, बट बर्थडे से 7-8 डेज पहले मेरे पास यहाँ पर मुझे एक बहुत ही सिस्टिक एक्ने, अगर आप जानते हो, बिकॉज आई हैव एक्ने प्रोन स्किन एंड आई हैव सम हार्मोनल इम्बैलेंस प्रॉब्लम एज वेल। तो मुझे सिस्टिक एक्ने का प्रॉब्लम है और यहाँ पर मुझे समझ में आ जाता है कि कौन सा कैसा एक्ने है और कौन सा कितने दिन रहेगा। तो जब वो सिस्टिक एक्ने आया, आई वॉज लाइक ओ शिट, अब ये 15 दिन पहले तो जाने नहीं वाला है। बट ट्रस्ट मी, मैं ये वाला प्रोडक्ट, मुझे एक्चुअली ये ब्रांड ने सेंड किया था, एंड दिस इज नॉट एट ऑल स्पॉन्सर्ड वीडियो। इसमें जितने भी आप प्रोडक्ट्स देख रहे हैं ना, ये सब कुछ भेजे हैं, बट ये कोलैबोरेशन और स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, ये मैं अपने उससे बना रही हूँ। बट मैंने इसका इंस्टाग्राम पे भी एक दो बार डाला है कि ये एक्चुअली में बहुत इफेक्ट करता है, इफेक्टिव है फॉर एक्ने प्रोन स्किन, एंड आपका एकदम से ये ब्लैक मार्क नहीं छोड़ता। जैसे यू कैन सी, एकदम से बहुत ज़्यादा ब्लैक मार्क नहीं है, इट्स जस्ट अ नॉर्मल रेडिश काइंड ऑफ अ मार्क जो कि धीरे धीरे जाएगा, बिकॉज सिस्टिक एक्ने, ये 3 दिन में इसने मेरे जो पूरा बम्प था उसको बैठा दिया था। बट हाँ, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एक बार इसको लगा के छोड़ दो, मैंने दिन भर में कम से कम 7-8 टाइम्स इसको लगाया था फेस, सिर्फ नॉर्मल पानी से वॉश कर करके, तब जा करके 3 डेज में मेरा ये जो एक्ने है, बम्प है इसका, ये पूरी तरह से फ्लैटेंड आउट हो गया था और ड्राइड अप हो गया था पूरा। तो अगर आपका बहुत ज़्यादा एक्ने प्रोन स्किन है ना, और आपको बहुत ज़्यादा सिस्टिक एक्नेज और वो जो अंदर कुछ भरा हुआ होता है उस तरह के एक्नेज होते हैं, डेफिनेटली कैन ट्राई दिस आउट। मैं यूजुअली, मेरे को बहुत मेकअप वीडियोज़ बनाने की रिक्वेस्ट आती है कि इस प्रोडक्ट का आप रिव्यू करो, इसका रिव्यू करो, तो मैं क्या करूँगी, अभी जो जो प्रोडक्ट्स मेरे पास ऑलरेडी हैं मैं उन्हीं का रिव्यू करती जाऊँगी, बिकॉज नाउ आई एम नॉट इन टू टू मच मेकअप। मेकअप का जो सैचुरेशन लेवल होता है वो मेरा आ चुका है। अब मुझे मेकअप है ना इतना ऐसे फैंटिसाइज नहीं करता है कि मुझे ये लेना है या मुझे वो लेना है। अब सिर्फ जो मेरे पास ज़रूरत की चीज़ें मुझे लगती है कि हाँ ये मुझे नीड है, तभी मैं उसको परचेस करती हूँ। अदरवाइज वो जो शौक था मेकअप वाला, वो मेरे को बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। अब मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आता है मेकअप परचेस करने में, तो ऐसा हो चुका है, ना ही मैं नए प्रोडक्ट्स ट्राई करती हूँ ज़्यादा। तो येस, लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विद द सीरम। तो सबसे पहले मैं सीरम लगा रही हूँ, ये मामा अर्थ का स्किन करेक्ट फेस सीरम, ये भी काफ़ी अच्छा है। ज़्यादा इफेक्ट क्या कर रहा है ये तो मुझे पता नहीं चल रहा है, बट जस्ट अ नॉर्मल सीरम, बहुत वाव टाइप का कुछ इफेक्ट नहीं किया इसने मेरे स्किन पे, बट येस इट्स जस्ट अ नॉर्मल सीरम। जो मैं बॉडी शॉप का एंटी इम्परफेक्शन वाला जो सीरम लगाती थी, वो बहुत एक्सपेंसिव आता है, वो भी कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी वर्क नहीं करता है फेस पे, जस्ट वेरी नॉर्मल। तो आई थॉट कि तो ये भी वैसे ही वर्क कर रहा है, कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी इसने वर्क नहीं किया है। ऑल्दो इसको लगाते हुए मुझे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 1 मंथ ही हुआ है, बट स्टिल ओके। तो ये लगाने के बाद हम थोड़ी देर वेट करेंगे, 5 to 10 minutes, एंड देन उसके बाद हम लगाएंगे मॉइस्चराइजर। आप कोई सा भी मॉइस्चराइजर लगा सकते हैं, बट मेकअप से पहले स्पेसिफिकली मैं ये वाला ही लगाती हूँ, एपी सॉफ्ट। ये बहुत ही लाइट वेट है और एकदम परफेक्ट लगता है मुझे। ये मुझे मेरी डर्मेटोलॉजिस्ट ने सजेस्ट किया था, इसके अंदर UVA, UVB, SPF 30 भी है, तो अगर आप सनस्क्रीन नहीं भी लगाते हैं इसके ऊपर तो चल जाता है। देन उसके बाद मैं अपनी आई क्रीम लगाऊंगी। ताकि मेरा जो, दिस इज माई फर्स्ट एवर आई क्रीम, इसके पहले मेरे पास कोई भी आई क्रीम नहीं थी और ना ही मैंने कभी यूज़ करी है। तो ये मुझे ब्रांड ने भेजी थी, दिस इज़ बाय मामा अर्थ। नेक्स्ट आई एम गोइंग टू यूज दिस बेनिफिट प्रोफेशनल प्राइमर पर्ल। तो ये पर्ल प्राइमर है, ये आपके फेस को बहुत ही अच्छा सा पिंकिश ग्लो एंड ब्राइटन अप लुक देता है। इसको लगाते से ही आपको काफ़ी ब्राइटन अप सा लगता है। तो आपको बिल्कुल बहुत छोटा सा अमाउंट लेना है, एंड देन जहाँ जहाँ भी आपको ब्राइटन अप इफेक्ट चाहिए एंड जहाँ जहाँ भी आपको पोर्स है वहाँ पर आप इसको लगा सकते हैं।
फाउंडेशन लगाने का मेथड सबका अलग अलग होता है, देयर इज नो राइट एंड रॉन्ग मेथड. आपको जो लगता है कि आपकी स्किन पे बेस्ट वर्क करता है वैसे कर सकते हैं. कुछ लोगों को ब्यूटी ब्लेंडर के थ्रू बहुत अच्छा लगता है, किसी को ब्रश के थ्रू, कुछ लोगों को फिंगर्स के थ्रू. तो देयर इज नो यू नो राइट और रॉन्ग इन मेकअप, इट जस्ट दैट गो विद द फ्लो. प्रैक्टिस के थ्रू आपको जो आपकी स्किन पे ज्यादा अच्छे से काम करता है वो चीज कर सकते हो. सो आई एम गोना मिक्स दिस मिलानी का कंसील परफेक्ट 2-in-1 फाउंडेशन एंड दिस एस्टी लॉडर डबल वेयर फाउंडेशन. ये काफी थिक फाउंडेशन है और मुझे ऐसा लगता है कि विंटर्स में ये बहुत थोड़ा सा ड्राइड अप करता है मेरी स्किन को, तो इसलिए मैं इसके साथ इसको मिक्स कर रही हूँ मिलानी के साथ. दिस फाउंडेशन इज ऑफ परफेक्ट कंसिस्टेंसी, बट इसको आप समर्स में नहीं लगा सकते हो. समर्स में ये बहुत ऑयली हो जाता है एंड विंटर्स में ये बहुत ड्राई हो जाता है. तो आई गेस समर्स में ये बहुत अच्छा वर्क करेगा एंड विंटर्स के लिए ये बहुत परफेक्ट है, तो इसलिए मैं इन दोनों को मिक्स कर रही हूँ. This brush, Real Technique, I'm gonna start blending it out. So these two foundations gives me perfect coverage, perfect amount of finish, कि मुझे इसके ऊपर कुछ और लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है. But still, क्योंकि अभी जो मेरा अंडर आई का कलर है और जो मेरा स्किन का कलर है वो बिल्कुल डिफरेंट लग रहा है, यहाँ थोड़ा सा डार्कनेस है. सो आई एम गोइंग टू अप्लाई दिस LA Pro कंसीलर. आई एम इन द शेड प्योर बेज. ये बिल्कुल परफेक्ट कलर है मेरे फेस का, जो मेरे स्किन का कलर है उसके एकदम कलर से मैच करता है ये. मुझे वो जो हाईलाइटेड कंसीलर होता है आई डोंट लाइक दैट कंसेप्ट, और ना ही वो मेरे स्किन पे मुझे बहुत अच्छा लगता है. बात नेक्स्ट स्टेप आती है कॉम्पैक्ट की, बट कॉम्पैक्ट लगाने से पहले मैं अपना जो ब्लश है वो लगाऊंगी. फॉर माई ब्लश आई एम गोइंग टू यूज दिस गोगो टिंट. दिस इज एब्सोल्यूटली अमेजिंग, ये बहुत ही अमेजिंग है. ये टिंट है एक तरह का, जो कि आप इसको अपने लिप्स पे भी लगा सकते हैं, आप अपने चीक से भी लगा सकते हैं, एंड ये इतना परफेक्ट लगता है और इतना नेचुरल लगता है कि मैं आपको क्या बताऊँ. आपके स्किन पे एक अलग सा ग्लो आता है इसको लगाने के बाद. तो ये दो वेरिएंट्स में अवेलेबल है. इसका मिनी साइज भी आता है जो 1100 समथिंग का आता है, और ये इसका लार्ज साइज है. तो आपको इसको करना कुछ नहीं होता है, आपके जस्ट फिंगर्स में ऐसे लेना होता है लाइक दिस. ये कभी कभी ना ज़्यादा भी हो जाता है, तो इसलिए मैं पहले ये लगाती हूँ, उसके बाद फिर अपना कॉम्पैक्ट लगाती हूँ. एंड आपको अपने चीक्स पे स्माइल करना है एंड देन लाइक ब्लश यू हैव टू जस्ट डैब इट लाइक दिस. वेट, yeah. Now after that I'm going to use my MAC का. तो मेरे पास basically two shades हैं, एक NC41 है और एक NC40 है. The reason behind that is मेरा summer में जो shade है वो dark हो जाता है and winters में मेरा एक shade light हो जाता है. नेक्स्ट आते हैं कॉन्टोर के ऊपर. सो आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ कॉन्टोर, बट समटाइम्स आई रियली डू इट. तो कॉन्टोर के लिए आई एम यूजिंग दिस टार्टे का टार्टीएस्ट प्रो ग्लो पैलेट. इस तरह से तीन शेड्स होते हैं, सो आई एम गोइंग टू यूज अ कॉन्टोर शेड. और ये जो ब्रश है ये हूला ब्रॉन्जर का है. सो वन मोर थिंग, आई एम प्लानिंग टू यू नो स्विच ऑल माई मेकअप आइटम्स इन टू वीगन. मतलब अभी जो आ गए हैं वो तो आ गए हैं, बट अब मैं जो भी नए मेकअप प्रोडक्ट्स खरीदूंगी वो सब मेरे क्रूल्टी फ्री होंगे, वीगन होंगे. सबसे पहले आते हैं आईब्रोज के ऊपर. तो एज यू कैन सी ऑलरेडी, ये जो आईब्रोज है ये मैंने खुद शेपिंग किया है अपने आईब्रोज का, एंड मैं आईब्रोज बनवाने पार्लर में भी नहीं जाती हूँ. एंड सेकेंड चीज़ इज कि मेरे आईब्रोज को बहुत फिलिंग की जरूरत नहीं पड़ती है. आई हैव जस्ट लिटिल बिट ऑफ गैप्स, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं ये छोटे छोटे से गैप्स हैं जिसको मैं सिर्फ फिल इन करूँगी, दैट्स इट. सो आई एम इन द डार्क ब्राउन शेड. और ये जो पेंसिल है ये मैंने मिनीसो से परचेज करी थी. नेक्स्ट आती है बारी, वो है आईज की. तो मैं अगर मैं बहुत ज़्यादा जल्दी में होती हूँ तो मैं क्या करती हूँ, ब्राउन काजल है, दिस इज फ्रॉम लैक में, इसको अपने अपर आईलेट पर लगाती हूँ.
Once I'm done with this wala process, मैं अपना liner लूँगी. Star Stamp Liner by Body Shop. Now coming to the lashes, I'm going to curl my lashes with this eyelash curler. And for my mascara, I'm going to use this again Tarte Tarteist mascara, and this is one of the best mascara I've ever used. ये बहुत ही amazing है और voluminize कर देता है आपकी lashes को. So my lashes looks like कि मैंने fake lashes लगाई है, ये beautiful कर देता है आपके eyelashes को. Then coming to the lipstick, okay, sorry. Next step is highlighter. For my highlighter, I'm going to use MAC का Taupe cream. जो छोटा mini version है, ये आता है 1100 rupees का. पहले 900 का आता था, अब ये 1100 का आने लगा है. तो ये बहुत natural लगता है, बिल्कुल लगता ही नहीं है कि आपने कुछ लगाया है. तो आप ये लगा सकते हैं. So I'm going to apply this at the highest points of my face. अब जो मेरा इनर कॉर्नर्स ऑफ द आईज है, मैं वहां पर थोड़ा सा हाइलाइटर लगाऊंगी. नाउ जस्ट सी द डिफरेंस ऑफ दिस आई एंड दिस आई. दिस इज माई मेकअप. और अब मैं फटाफट से, एज यू ऑल नो दैट आई डोंट लाइक टू चेंज ज्वेलरी एंड ऑल दैट थिंग, तो मैंने सिर्फ अपने बालों को थोड़ा सा स्ट्रेटन अप किया था. तो मैं अपने बालों को सिर्फ स्ट्रेटन अप करूंगी, एंड स्ट्रेटन अप करने के बाद ड्रेस चेंज करके मैं आप लोगों से मिलती हूँ. सो दिस वॉज माई ड्रेस जो मैंने अपने घर में जो बर्थडे पार्टी हुआ था तब पहना था, एंड दिस इज द टॉप फ्रॉम वेस्ट साइड. अगर आपने मेरा बर्थडे शॉपिंग हॉल वाला वीडियो नहीं देखा तो मैंने बताया है कौन सा टॉप मैंने कहाँ से, कौन सा ड्रेस क्या क्या एंड ऑल दैट, वो सब आप जरूर चेक करिएगा. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंशन कर दूंगी. एंड ये था, इसके नीचे मैंने एक स्कर्ट पहना हुआ था. और उसके नेक्स्ट डे जो मेरा मेन बर्थडे इवेंट था, उसमें भी मैं सेम ऑलमोस्ट मैंने सेम मेकअप किया था. तो मैं अलग से आपको नहीं बता रही हूँ, उसका पिक्चर मैं लगा दूंगी कि मैं कैसे दिख रही थी उस दिन. एंड दैट्स इट. उसमें सिर्फ मैंने एक नेक पीस एड कर लिया था, बाकी सब कुछ जो मेकअप है वो एज इट इज सेम था. एंड इवन द हेयर स्टाइल वॉज सेम. मेरे पास इतना भी टाइम नहीं था कि अपने बालों को कर्ल कर सकूँ. येस, एंड दैट्स इट. दैट्स इट फॉर माई वीडियो. आई होप यू लाइक द वीडियो. इफ यू डू सो देन डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कॉमेंट डाउन बिलो.